चीन से हिंद महासागर को बड़ी चुनौती है, लेकिन चीन को चुनौती देगा आईएनएस विक्रांत। जिस समय भारतीय नौसेना को आईएनएस विक्रांत मिलने जा रहा है, ये वक्त भी बहुत ही अहम है, क्योंकि चीन ताइवान तनाव के बीच ड्रैगन अपने एक बड़े युद्धपोत को साउथ चाइना सी में लेकर आ गया। तो ऐसे में आईएनएस विक्रांत का नौसेना में शामिल होना क्यों खास है, खुद देखें आप। समंदर में भारत की सबसे बड़ी तैयारी, कोई भी युद्ध सिर्फ हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के बल पर नहीं जीता जाता, उसके लिए चाहिए सही रणनीति, अचूक तैनाती और अजय हौसला। इस लिहाज से भारतीय नौसेना का जवाब नहीं, लेकिन चीन के विस्तारवादी गतिविधियों को देखकर भारतीय नौसेना को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है और अपने सबसे बड़े जंगी हथियारों को समंदर की निगहबानी के लिए उतारना पड़ता है। ताइवान के साथ चीन के मौजूदा तनाव के बीच भारत की चुनौतियां भी बढ़ गई। चीन ने अपने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर शानडोंग को साउथ चाइना सी में उतार दिया। चीन ने साउथ चाइना सी में बैटल ग्राउंड के साथ लाइव फायरिंग भी। चीन ने ड्रिल के समय युद्धपोत से फाइटर जेट उड़ाए। साउथ चाइना सी में इस ड्रिल से चीन ताइवान और दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है। चीन ताइवान के बीच तनाव अगर युद्ध में तब्दील हो गए तो इसका असर भारत की समुद्री सीमा और सुरक्षा पर भी पड़ेगा। ये विशाल युद्धपोत भारतीय नौसेना को ऐसे समय में मिलने जा रहा है जब चीन हिंद महासागर में अपनी दादागिरी दिखाने पर उतारू। भारतीय नौसेना के अफसरों का मानना है कि हिंद महासागर में संभावित किसी भी खतरे से निपटने के लिए मजबूत फोर्स लेवल का होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आईएनएस विक्रांत को तैयार किया गया है। हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव प्लान्स में भी यही था कि हमारा जो नेवी होगा वो कैरियर बेस्ड होगा, जिसका मतलब पहले 4 कैरियर होने चाहिए थे इन 1949 इफ़ वी टेक आउट हिस्ट्री। तो कहा गया था 2 छोटे कैरियर और 2 फ्लीट कैरियर होने चाहिए। बाद में फिर सब्सिक्वेंटली MCPP जो हमारी बनी है उसमें कम से कम 3 कैरियर कहा गया। तो जब हम कैपेबिलिटी कहते हैं तो एक पर्टिकुलर थ्रेट के लिए नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमारा बस युद्ध तो हमारा प्राइम एम है, बट युद्ध को डेटरेंस की तरह से करने ही नहीं देना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। आईएनएस विक्रांत के शामिल होने से भारतीय नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएंगे। अभी इंडियन नेवी के पास रूस से खरीदा गया आईएनएस विक्रमादित्य ही। आईएनएस विक्रमादित्य भी दुनिया के 10 ताकतवर और घातक विमान वाहक युद्धपोतों में शामिल। आईएनएस विक्रमादित्य को जल्द से जल्द रिफिट करने की कोशिशें जारी ताकि दुश्मनों की चुनौतियों का माकूल जवाब दिया जा सके। लेकिन अब बात करते हैं शेंडोंग की। सबसे पहले शेंडोंग चीन का सबसे ताकतवर युद्धपोत है। ये चीन का स्वदेशी युद्धपोत है। ध्यान से देखें आप, हम आपको कंपैरिजन बता रहे हैं जल में ड्रैगन की जो ताकत है। शॉर्ट टेक ऑफ, अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम पर काम, 305 मीटर लंबाई, बीम 75 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 70,000 टन, 44 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इसके बाद लियाओनिंग की बात करते हैं। लियाओनिंग दुनिया के बड़े युद्धपोतों में शामिल है। दुनिया का 4th सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। सोवियत रूस के समय का डिजाइन, बाद में चीन ने अपग्रेड किया। 304 मीटर लंबाई, बीम 75 मीटर, इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट 58,000 टन, 50 लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। अब आपको चीन के फूजियान के बारे में बताते हैं। फूजियान चीन का टाइप 003 पोत है। करीब 315 मीटर लंबा है, डिस्प्लेसमेंट 80,000 टन है। लियाओनिंग और शेंगडोंग से बड़ा है। 36 विमान इसमें तैनात हो सकते हैं।